हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एंड गुड मॉर्निंग। और गले से आवाज नहीं निकल रही क्योंकि जिस दिन से होली थी ना उसी दिन से मेरी तबीयत है खराब। होली के दिन भी मुझे फीवर था, लेकिन कहते हैं ना कि ये त्योहार ऐसा है ना कि चाहे आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, पर अगर आपके साथ आप किसी के सामने आ जाओगे तो वो कलर डेफिनेटली डाल ही देगा। मुझे अच्छी तरह से बिगाड़ दिया गया था। अभी तक मेरे हाथ गुलाबी हैं, पूरी बॉडी भी अभी तक गुलाबी रखी हुई है। उन्होंने मेरी नंद वगैरह ने और मेरी जिठानी ने इतना कलर डाला, मुझे पूरा तल कर दिया। उसके बाद से मेरी तबीयत खराब 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 ही रही, अभी तक खराब है। आज शायद 11 तारीख हो गई है, आज भी मेरी तबीयत खराब ही है, हल्का सा फीवर भी है मुझे। और फिर मैं कभी, पता है, होली के त्योहार में कभी भी नाराज नहीं होती, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है यार। अगर आप नाराज हो जाओगे किसी पे तो वो मानो कि पूरा साल भर का जो त्योहार होता है ना वो खराब हो जाएगा। भाई कलर का ही त्योहार है ये, और अगर आप पे कोई कलर डाल दे और आप नाराज हो जाओ तो फिर क्या बात रही। तो मुझे पता था कि मुझे फीवर है, मैंने कहा भी कि भाभी दीदी मुझे फीवर है मान जाओ, लेकिन उन्होंने तब तक 2 बाल्टियां भर के मेरे ऊपर सर से ऊपर डाल दी। मैंने कहा चलो अब भीग तो गए हैं तो होली को एंजॉय कर लो। वैसे भी मुझे होली पसंद है। घर पे तो मैंने थोड़ी सी गुलाल से ही खेली थी, पक्के कलर से नहीं खेली थी, लेकिन उन लोगों ने माने ही नहीं और फटाक से मेरे ऊपर कलर डाल दिया। आप लोगों को भी बिलेटेड हैप्पी होली, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को विश किया था, अपने शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी किया था, और हाँ शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी किया, इंस्टाग्राम की वीडियो के थ्रू भी किया था। आशा करती हूँ कि आप लोग तो मेरी विशेष को आप लोगों ने लिया होगा। और अभी सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो चुका है कंप्लीट, और खाने पीने की तैयारी करनी है क्योंकि आरू मोलू स्कूल नहीं गए हैं, उनके स्कूल में ना एग्जाम वगैरह की तैयारी चल रही है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे जाके, वहां पे ना बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ऐसे ही बिठा के रखते हैं। और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा भाग दौड़ करूं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार छोड़ते हैं। तो अब आज मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा है करने का, और आज है कुछ स्पेशल डे, लेकिन मुझे खुद ही याद नहीं था, और लास्ट ईयर भी हम लोग भूल गए थे कि क्या है वो दिन। देखते हैं यार कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। चलो देखते हैं, अभी तो मैं खुद ही सोच रही हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था। और अचानक से मैंने अभी डेट देखी ना तो मैंने कहा अरे राम आज ये तारीख है, माइंड से ही निकल गया, किसी को याद ही नहीं है। देखते हैं शाम तक किसी को याद आता है कि नहीं आता है। तो किसी का फोन वगैरह नहीं आया, और मैं इंतजार करके फिर अपने कामों में लग गई। मैंने कहा छोड़ो यार, लगता है याद ही नहीं आ रहा। और उसके बाद ना मैंने किचन में सारे बर्तन वगैरह लगाए, और यहाँ पर अभी मैं अपने पौधों को देखने आई हूँ, क्योंकि अब है ना खाद वगैरह डालने का अच्छा टाइम आ गया है। तो इतने दिनों से मैंने इनमें कोई खाद वगैरह नहीं डाली थी, थोड़ी सी डाल दी थी जो वो होती है ना मस्टर्ड केक होती है, बस वही डाली थी। आज मैंने थोड़ी अच्छी वाली खाद सब पौधों में डाल दिए, ताकि इनकी ग्रोथ है ना वो अच्छे से होने लगे और ये अच्छे से सर्वाइव भी करने लगे। क्या क्या रही हो ये? खाद डाल दी मौसम चेंज हुआ है। इसके अंदर मैंने डाली है नीम खली, बोन मील, और जो क्या बोलते हैं और कौन सी खाद है, नीम खली, बोन मील और केचुए की खाद। हाँ ये 3 खाद मैंने लिए मिक्स करके। केचुए की खाद मतलब बहुत केचुए होते हैं क्या? केचुए बनाते हैं इस खाद को। ये तीनों खादों को मैंने मिक्स करके इसमें 1-1 चम्मच डाल दिए सभी पेड़ों सभी पौधों में। खाद तो हाथों से डाल रहे हो? मैं तो डाल देती हूँ हाथों से। इसमें धूप लगाने की जरूरत है। पता है जब भी आपके दिल में कोई बेचैनी चल रही हो, आपका मन ना लग रहा हो, आप उदासी फील कर रहे हो, तो पता है आपको क्या काम करना चाहिए, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो मुझे पेड़ पौधे के पास आना, उनका काम करना, उनको देखना बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं अकेलापन दूर होता है मेरा, मैं खुद को बिजी कर लेती हूँ, और मुझे पौधों के पास आके बहुत सुकून मिलता है। तो आप लोग भी वही काम करिए जो आपको पसंद हो, आपका दिल जिसे चाहता हो। ऐसा नहीं कि पौधों का ही काम करो, ये तो मेरी चॉइस है,
आपको शॉपिंग अच्छी लगती है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग के लिए भी हमारे साथ कोई होता है तो अच्छा लगता है हमें, अकेले तो हमें वो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती। तो जो भी कुछ अच्छा लगे, कुकिंग हो, लाइक शॉपिंग हो, मेकअप का काम हो, कुछ भी जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, उससे हमारा माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है और हम है ना अपने टेंशन को भूल सकते हैं। तो आज मुझे थोड़ा ना टेंशन भी हो रहा था और गुस्सा भी हो रहा था, लेकिन मैंने कहा इस गुस्से को निकालने के लिए, गुस्से को हटाने के लिए मुझे वो काम करना चाहिए जो कभी मैंने भी नहीं सोचा था। सो, आज जो मैंने किया वो आपको देखने मिलेगा कल की वीडियो में, और सरप्राइज़ है आप सबके लिए, तो आप लोग कल की वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। सो, मैं यहाँ भी अपने पौधों में काम कर रही थी और तभी मेरे दिमाग में सडनली ख्याल आया कि नहीं यार, गुस्से से क्या होता है, काम वो करो जिससे खुशियाँ बढ़े। गुस्सा तो क्या है, वो एक पल में आएगा और सब कुछ खराब करके चला जाएगा, तो वो काम करो जिससे कि खुशियाँ आ जाएं और अपना ईगो लेके नहीं चलना है कि उनने ऐसा क्यों नहीं किया, ये चीज़ नहीं करनी है। सो, बस मेरे माइंड में बहुत अच्छा सा थॉट आया और क्या थॉट था वो कल आपको देखने मिलेगा वीडियो में, और कि मैंने क्या किया। और ना यहाँ पे सारे पौधों के अंदर मैंने अच्छी तरह से खाद वगैरह डाल दी है और अभी चेक भी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा पौधों को ना, पौधों की गुड़ाई भी कर रही हूँ क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मेरे पौधों में बेचारों में धूप तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है तो अच्छी हवा तो लगी जाती है। तो मैंने सारे पौधे चेक कर लिए, उसके बाद सारे पौधों में डालूंगी मैं पानी, क्योंकि खाद डालने के बाद पानी डालना पड़ता है, फिर हम जाएंगे नीचे। और यहाँ पर अब मैं आरू मोलू के लिए बना रही हूँ नाश्ता, तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग नाश्ता बन रहा है। आरू को पसंद है सूजी के चीले, तो उसके अंदर अभी और कोई सब्जी है नहीं, तो मैंने केवल प्याज और टमाटर ले लिया है और तो बस सूजी डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये डाल के इसका है ना जो पतला सा एक बैटर बनाऊंगी और उसमें बनाऊंगी मैं आरू के लिए चीले यानी उत्तपम। आरू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये मैंने अपने मायके में बनाए थे मम्मी के घर पे, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगे थे, सो, मम्मी ने भी पेट भर के खाए थे। तो बस उस दिन के बाद आज बना रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए मैंने ये बनाए नहीं थे, और मुझे पता है कि मैं ये बना दूंगी ना तो आरू फिर खाना नहीं खाएगी, तो इसीलिए मैं कम बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाए और आरू ने पेट भर के खाए। अब आरू को अगर मैं उसके मनपसंद का दे रही हूँ तो फिर मोलू का भी तो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोलू के लिए भी बन रही है इडली का बैटर, क्योंकि मेरे मोलू को इडली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दही पानी लिया है थोड़ा सा, उसमें मैंने सूजी डाल दी, थोड़ा सा डालूंगी मैं नमक, उसी के साथ डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, या फिर इनो हो तो आप इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ और थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी। उसके बाद ना जो बैटर है उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे साइड में। तो दोनों का बच्चों का नाश्ता मैं बनाती जा रही हूँ साथ साथ में, ताकि बच्चे खा लें, खुश हो जाएं, और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना पीना। तो खाने पीने की वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मैंने खाना बनाया था 12-1 बजे के करीबन, तो वो सब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन हाँ, जो शूट किया है वो शायद आप लोग ने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने क्या शूट किया है। सो, सुबह नाश्ता बनाया था तो गैस थोड़ी सी मैसी हो गई थी, तो अभी मैंने पहले गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है पाउडर से और विम लिक्विड जेल से अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि मेरी ना ये आदत में आ चुका है कि थोड़ी सी भी गैस अगर गंदी होती है ना तो मैं उसमें काम नहीं कर पाती हूँ। तो जब भी मैं नया काम स्टार्ट करती हूँ तो गैस को पहले अच्छे से पहुँच लेती हूँ, प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से पहुँच लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे गैस की और प्लेटफॉर्म की अच्छी तरह से हो चुकी है सफाई, बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं मेरे धोने के लिए, तो उनको मैं तब धोऊंगी जब मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे दूंगी तब, क्योंकि अगर मैं बर्तन के काम में लग जाऊंगी तो फिर नाश्ता लेट हो जाएगा और वैसे भी अभी 8:30-9 बजे का टाइम तो हो ही गया है। तो बस अभी फटाफट से लगते हैं, इडली का कुकर साफ़ करते हैं क्योंकि वो रखा रहता है, उसको तो मैं तभी साफ़ करती हूँ जब यूज़ करती हूँ। सो, इडली के कुकर में मैंने पानी चढ़ा दिया है, उसको रख देंगे हम बॉईल होने के लिए। और यहाँ चढ़ाया है मैंने तवा, और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 2 हरी मिर्च, तो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी काटी है कि आलू को अगर तीखा लगे तो वो हरी मिर्च को निकाल सके। सो, यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के फिर से बैटर को अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि रखने से सूजी थोड़ी सी ना थिक हो जाती है, फूल जाती है, तो उसमें थोड़ा पानी डालना ज़रूरी था। तो हरी मिर्च डालेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद बनाएंगे अपनी आलू के लिए उत्तपम। और मैंने केवल सूजी के ही बनाए हैं, आलू वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में ना आलू डाल दो या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल दो ना तो बच्चे खाते नहीं हैं।
तो चलिए फटाफट से मैंने पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज इडली बनाते वक्त ना मोलू ने मेरी काफी मदद की, उसने दोनों प्लेट्स को ना अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया। बोलता है मम्मी मैं आपकी हेल्प करा रहा हूँ, तो ऐसे छोटे मोटे काम है ना मोलू मेरा करवाता रहता है मेरे साथ, और मुझे अच्छा भी लगता है उसको अपने साथ काम करवाने में। और है ना उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता भी दे दिया, दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया। मैंने है ना गैस को किचन को साफ भी कर दिया। बारी आई है अब बर्तनों की, तो आज है ना ये रात के बर्तन रखे हुए हैं क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं कुछ काम को मिस कर देती हूँ। तो मैंने रात के बर्तन नहीं धोए थे तो वो सारे बर्तन हो गए थे, तो अभी जो नाश्ते के बर्तन थे रात के जो बर्तन थे सारे मैंने साफ करके रख दिए। किचन को साफ करूंगी और उसके बाद है ना मुझे अभी कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो वो मैंने मशीन में धुलने डाले हैं, उनको भी जाके चेक करूंगी कि धुल गए हैं या नहीं। तो चलिए अभी हम चलते हैं बाहर, झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो चुका है, बस लास्ट काम है कपड़े धोना और उसके बाद नहाना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश कर रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे काम किए थे जो कि आपको कल देखने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना प्लीज़ गाइज। और यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, तो जो कपड़े धुल गए हैं उन सबको मैं सुखा के जाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी फटाफट से नहाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज देना है मुझे आप लोगों को जो मिलेगा आपको कल की वीडियो में। तो इस सरप्राइज का इंतजार करिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और आप लोग भी ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा क्योंकि वैसे भी मैंने कितने दिनों से वीडियो नहीं डाली है। आजकल है ना तबीयत ठीक नहीं रहती तो मेरा मन भी नहीं करता है शूट करने का, क्योंकि काम करने का ही मन नहीं करता, मन करता है कि बस आँख बंद करूँ और अपने घर में लेट ही रहूँ। तो हो जाता है जब तबीयत सही नहीं होती ना तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, चाहे फिर वो व्लॉगिंग हो चाहे फिर कोई भी काम हो, और कहीं ना कभी कभी थोड़ा सा मन है ना मेरा उदास रहता है। इसी वजह से ना मैं थोड़ी सी आजकल पता नहीं कैसे रहने लगी हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी पहले से बदल गई हूँ। पहले मैं कुछ भी हो जाए अपनी वीडियो डालना नहीं भूलती थी, लेकिन अब आजकल ये है कि व्यूज़ भी बहुत डाउन हो गए हैं तो मन ही नहीं करता मेहनत करने का। 4 सालों से मेहनत कर करके थक चुकी हूँ, कोई रिजल्ट मिला नहीं, बस मन दुखी हो जाता है थोड़ा सा। तो यही रीज़न है कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं डालती आजकल। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरे जो डेली के व्लॉग है वो आपको देखने के लिए मिलते रहें। बाय बाय।